चौमासे या चतुर्मास में फिट रहने के लिए क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। केवल एक काम करना है, 10 जुलाई से लेकर 4 नवंबर तक 2022 में पूरा 4 महीने चतुर्मास चलेंगे। इसमें बड़ी सारी बीमारियाँ होती हैं, मेरे पास भीड़ लग जाती है, मैंने पिछले 25 सालों में देखा है कि इसमें बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो उससे बचने के लिए अगर एक टाइम खाना खाएंगे तो फिटनेस आपकी बड़ी हाई लेवल की रहेगी, ना तो इन्फेक्शन होंगे आसानी से और लाइफस्टाइल डिसीज होंगी भी नहीं, और जिसको है वो रिवर्स हो सकती है अगर चतुर्मास में एक टाइम खाना खाएं। ऐसा इंडियन फिलॉसफी में आया है, मैं तो पिछले 6 साल से इसे फॉलो करता हूँ, लेकिन अब बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स, मेरे फैन जुड़ते जा रहे हैं इस मुहिम में और वो लोग भी इसका स्वाद चखना चाहते हैं। मेरे को पिछले 6 साल का बड़ा अच्छा अनुभव रहा है, मैंने भी और मेरी वाइफ ने भी चतुर्मास के फॉलो किया है। हम लोग दोनों लोग दो ही टाइम एक ही टाइम खाना खाते हैं चतुर्मास में, उससे बड़े अच्छी फिटनेस हमें लगती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जो लोग सुन रहे हैं वो करें। हम मेरे साथ में अनिल शास्त्री जी हैं, इनका 107 किलो वेट है, वैसे अच्छी इनकी दिनचर्या है, लेकिन ये वेट कम करना चाहते हैं तो दिनचर्या में और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो इन्होंने भी प्रतिज्ञा करी है कि एक टाइम भोजन लेंगे। देखिए, अगर हम बार बार भोजन करते हैं तो जैसे कोई चीज़ मुँह में डालते हैं तो उसी समय इंसुलिन रिलीज होता है और वो उस भोजन को तो ठिकाने लगा देता है, फिर और ज़्यादा भूख लगाता है। अगर हम कम समय में भोजन लेंगे तो कम टाइम लेंगे भोजन तो उतना ही इंसुलिन भी कम रिलीज होगा और हमें ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। इसलिए केवल मन के विचार अपने पक्के करने चाहिए जिससे कि हमारी हेल्थ की सुरक्षा हो जाए। मैं तो देखिए पिछले 35 साल से मेरा 47 केजी वेट है, मैंने तो स्वाद चख लिया अच्छी हेल्थ का, तो मैं चाहता हूँ कि जो इसका स्वाद चखेगा वही एम्बेसडर बन जाएगा और भारतीय संस्कृति के एक छोटे से एक झलक को वो खुद महसूस कर सकता है। यही शास्त्री जी का भी विचार है, मैं चाहता हूँ कि शास्त्री जी भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। जय श्री राम। मैं पंडित अनिल भारद्वाज जी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 जुलाई से और ये चतुर्मास शुरू हो रहा है और ये 4 नवंबर तक रहेगा, देवउठनी ग्यास तक। इस चतुर्मास में मैंने संकल्प लिया है कि मैं एक समय भोजन करूँगा ताकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहे और हर प्रकार से हम फिट रहे। और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड हैं, डॉक्टर मनोज मित्तल जी से मैं जानता हूँ, मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह से, और इन्होंने मुझे सलाह दी है कि ये आप कार्य करो जिससे कि आपका वेट भी कम हो जाए और हर प्रकार से आगे का भविष्य हमारा अच्छा हो। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग जो है जीवन में बहुत खाने पीने के मौके मिलते रहते हैं, पर ये जो चतुर्मास है ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए वेट कम करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। और सभी लोग जो है एक समय भोजन करें और एक समय जो है फलाहार ले सकते हैं, कुछ भी डिश वगैरह ले सकते हैं ताकि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ हो सके। और आगे के लिए मैं डॉक्टर साहब से देखिए, एक टाइम शाम के टाइम में 5-6 बजे भोजन ले सकते हैं, भरपेट भोजन ले लें, हरी सब्जियां, दूध, दलिया, खिचड़ी, दाल रोटी, जिसको जैसा खाना लेना, पका हुआ खाना, नमक, मीठा, अन्न और पका हुआ खाना दिन में एक बार लेना है। बाकी टाइम फल या सलाद या फिर जिसे ना रहा है ड्राई फ्रूट्स भिगो के ले सकते हैं या कुछ कच्ची मूंगफली भिगो के ले सकते हैं, तो दिन में 2-3 बार ऐसे ले सकते हैं और एक टाइम खाना, पेट आपका भरा हुआ रहेगा लेकिन आपके भोजन का 50% हिस्सा कच्चा रहेगा, 50% पका हुआ हिस्सा रहेगा, उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, एक एक सिस्टम, एक एक सेल आपकी वॉश आउट हो जाएगी और जिससे कि उसकी रिजुवनेशन हो जाएगा। आज से कई साल पहले जैसी आपकी हेल्थ फिटनेस थी, जैसी 10th क्लास में फिटनेस थी, चतुर्मास के एंड में आपकी 10वीं क्लास, 11वीं, 12वीं क्लास जैसी फिटनेस आपको याद आ जाएगी। जब आपका कैलिबर बढ़ेगा, आपके 4 घंटे सोने से ही काम चल जाएगा, नींद से काम चल जाएगा, आपको योग प्राणायाम करते हैं तो थोड़े से योग प्राणायाम से आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी। अगर आप लोग 10-10 किलोमीटर की सैर करते हैं तो 2 किलोमीटर की सैर से काम चल जाएगा। आपके 24 घंटे में से 20 घंटे आपके काम में आएंगे, दिन भर आप बेइंतहा काम कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, जितना मर्जी समय दे सकते हैं। तो ऐसे चतुर्मास का आप लाभ जरूर उठाएं और सब लोगों को प्रेरणा दें कि पूरा भारत इस भारतीय संस्कृति की इस अनमोल एक ऐसे उसको खुद अपने जीवन में उतार के देखें और उसका लाभ उठाएं और सब लोगों के लिए एक राजदूत बन जाए। थैंक यू।